गाइज एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल एल्क्डाइन कॉम्प्लेक्स या फिर जिसे हम कार्बाइन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं सो so गाइज मेरे पास कई दो तीन दिनों में ही इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम इस टॉपिक की वीडियो बनाइए मैम इस टॉपिक की वीडियो बनाइए हम लोग बहुत परेशान हैं सो so आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनो के मेटेलिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक रह गए हैं जो कि मैंने जिन पर वीडियोज़ नहीं बनाई हैं सो so आप परेशान ना हो Uh, आपके एग्जाम से पहले क्योंकि एक बच्ची ने कमेंट भी किया था कि मैम हमारे एग्जाम है जल्दी कीजिए सो so, आपके एग्जाम से पहले यानी मैं एक डेढ़ हफ्ते में सारी टॉपिक्स जितने भी रह गए हैं सबको कवर करने की कोशिश करूंगी सो so, आप बिल्कुल परेशान ना हो अपना विश्वास यही बनाए रखें सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए सो so, देखिए सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ जो कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ हमेशा जिससे कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आता है और हमें कैसे पढ़ना है तो मैं आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर शो कर रही हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन कॉम्प्लेक्स एंड इट्स इसका बी पार्ट है गिव मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्फ्लाडीन कॉम्प्लेक्स तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है और वीडियो अगर आपको ये टॉपिक अपना या फिर ये

थे इन्हें हम कार्बाइन कॉम्प्लेक्स या फिर मेटल एल्लेडाइन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं ये सबसे पहले लेबोरेटरी में फिशर ने प्रिपेयर किए वो भी 1973 में इसके क्या है कार्बाइन कॉम्प्लेक्स के जनरली टू टाइप पाए जाते हैं तो जैसे आपने देखा था कार्बिन के दो पार्ट होते थे सिंगलेट और ट्रिपलेट वैसे ही कार्बाइन के भी दो पार्ट होते हैं डबलेट कार्बाइन और क्वार्टेड कार्बाइन ठीक है सिंगलेट में क्या था नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और ट्रिपलेट में क्या है आपके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जबकि डबलेट में क्या होता है आपको देखना है कि डबलेट में एक अनपेयर्ड होगा और आपका क्वाटेड कारबाइन में कितने हैं तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा मैं आपको झूम करके दिखा देती हूँ ये जो स्ट्रक्चर शो है ये आपका डबल एड का स्ट्रक्चर है इसमें एक तो लोन पेयर है तो हमें इसके बारे में तो डिस्कस ही नहीं करना आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर क्वाटेड की तो यहाँ पर एक दो तीन इसमें आपको तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे होंगे जाहिर सी बात है जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन हाफ है आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से टू एस वन में क्या स्पिन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू निकल पर पर तीन इलेक्ट्रॉन तो तो प्लस तो हाँ, प्लस हाँ, प्लस हाँ, प्लस हाँ। इनकी स्पिन ये है, तो स्पिन ये ये आप आप इन्हें करेंगे करेंगे निकल के के आएगी और और से फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये चार आपको आपको देखने को मिलेंगी और नीचे आपको क्या है इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो कार्बीन कॉम्प्लेक्स की तरह है बिल्कुल इसके भी दो टाइप होते हैं फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स एंड श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स तो देखिए फिशर में होता क्या है जो डबलेट कार्बाइन लिगेंड है वो क्या है आपके फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जो क्वारेड कार्बाइन लिगेंड है वो क्या है आपके श्रॉक कार्बीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बाद बाकी प्रॉपर्टी सेम है ये भी लो वैलेंट होते हैं फिशर कार्बीन की ही तरह इन्हें भी हम इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर होता है इनका भी श्रॉक में क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर होता है हाई वैलेंट वाले बाद सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज आपकी क्या है सेम है उसी की तरफ तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम इन्हें लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे सो so, देखिए ये जो आपका पहला तरीका है पहला तरीका है कार्बिन टू कार्बाइन यानी ये वो रिएक्शन है जिससे आप क्या है किसी भी कार्बिन को क्या है कार्बाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके okay, तो सबसे पहले ये फिशर ने ही दिया तो फिशर ने क्या था यहाँ पर मिथॉक्सी मिथाइल कार्बिन ये क्या है आपका मिथॉक्सी मिथाइल कार्बिन है उस पर उसने क्या है बोरॉन ट्राई हेलाइड यानी बी एक्स थ्री की रिएक्शन कराई एंड पेंटीन की प्रेजेंस में टेम्परेचर काफी लो रखा तो इससे क्या है जो ये मेटल के और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो काफी सिंपल है आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं जो नेक्स्ट मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है इससे आप क्या है फिशर कारबाइन को किसमें शॉक कारबाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सीधे वर्डो में हम बोले डबलेट को यहां पर आपको डब्लू के ऊपर डबल एट नजर आ रहा होगा डबलेट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डब्लू एट में कन्वर्ट कर रहे हैं सो आपको सिंपली करना क्या है बाद बाकी सारी सिचुएशन सेम रखनी है बस आप क्या करेंगे बी आर टू की प्रेजेंस में क्या है उसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन करा देंगे जैसे ही आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएंगे तुरंत यहाँ से क्या होगा जो सी ए है ये बी आर टू क्या करेगा सी ओ को रिप्लेस कर देगा और इस

लंबा हो जाएगा और मैं उसे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती सो so, ये प्रिपरेशन आपकी सफिसियंट है टेन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सो so, हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग तो देखिए कार्बाइन कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो आजकल एक्सरे डिफ्लेक्शन स्टडी और आईआर और एनएमआर स्पेशल स्टडीज से हमें क्या है पता चला है और उससे हमें ये पता चला है मेटल ट्रपल बॉन्ड कार्बन लिंकिंग कार्बन जो है वो हमेशा कैसी होती है लीनियर होती है तो जाहिर सी बात है जब लीनियर होगी तो उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा वन डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो देखिए अगर आप मेटल की जगह क्या है ट्रांजिशन जो सीरीज़ में अगर आप मेटल की जगह फर्स्ट सीरीज़ का मेम्बर रख रहे हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.65 पॉइंट सिक्स फाइव टू वन पॉइंट सेवन फाइव इतनी होगी और अगर आप सेकेंड सीरीज का मेंबर रख रहे हैं तो वन पॉइंट सेवन फाइव टू वन पॉइंट नाइन जीरो होने की क्या है पॉसिबिलिटीज होती हैं अब हम देखते हैं इसकी बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग के लिए क्या है ये मेटल है मेटल का क्या है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और कार्बन का क्या है फिल्ड ऑर्बिटल होता है तो वैकेंट और फिल्ड मिलकर क्या है यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं आप सभी जानते हैं कि ये कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट होगा तो आप सभी जानते हैं कि एक तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा प्लस में दो क्या है बॉन्ड होंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा नेक्स्ट मैं आपको शो करूंगी कि दो पाई बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होते हैं तो देखिए पाई बॉन्ड के लिए आपको क्या है मेटल के क्या सिंगली ऑक्युपाई क्या है डीपाई ऑर्बिटल होंगे और यहां पर क्या है कार्बन का जो पी एक्स वाला ऑर्बिटल है वो भी सिंगल ऑक्युपाई हो गई ये दोनों क्या है ओवरलैप करेंगे और यहां से क्या है आपको पहला पाएबॉन्ड देखने को मिलेगा जबकि आप जानते हैं इसमें दो पाएबॉन्ड बनते हैं तो नेक्स्ट पाएबॉन्ड में आपको शो कर देती हूँ अभी क्या था इसमें मेटल के डी पाई ऑर्बिटल होंगे फिल्ड और यहां पर कैसे थे सिंगल ही ऑक्युपाई थे जब पहला पाएबॉन्ड बनता है और यहां पर जो कार्बन का था वो कौन सा था पीएक्स था और इसमें आपको क्या है दूसरा जब पाई बनेगा कार्बन का आपको पी वाई लेना है उनके बीच में ओवरलैपिंग शो करनी है देन आपका क्या है नेक्स्ट पाए बन जाएगा तो इस तरीके से आप एक सिग्मा और दो पाई की बॉन्डिंग दिखाएंगे कार्बाइन कॉम्प्लेक्स के केस में होती कैसे है नेक्स्ट देखेंगे हम वो क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखिए आप कर क्या सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका कोई भी एक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या करेंगे उस पर दूसरे एल्काइन का क्या है अटैक करा सकते हैं और आप इस तरीके से एक कार्बाइन को क्या है दूसरे कार्बाइन में क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां पर आपका क्या है ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है आप यहां पर क्या है कोई भी एनोदर एल्काइन लेकर आए तो आप इस पर अटैक कराएंगे तो ये क्या है आप यहाँ पर जो आपका एल्काइन है वो दूसरे एल्काइन में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा

करेगा और न्यूक्लो यहाँ पर आकर क्या है अटैच हो जाएगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें